हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में वर्नर और आईयूपीएसी का पार्ट होता है, सेकंड में आइसोमेरिज्म है, नेक्स्ट में बीबी थियरी है और उसके बाद सीएफटी है। तो आज हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू नीट में कंपलसरी वहां से निकल के आता है। ओके, तो आपको जो 4 मार्क्स है वो सिक्योर करने हैं और उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर होना चाहिए और वो प्रैक्टिस से ही होगा। ओके, तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा। ओके, तो मेरे साथ रहना। तो जो इजी क्वेश्चन है उसको बीच में हम स्किप करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9.1, तो 9.1 जो है दैट इज बेसिकली वर्नर पोस्टुलेट। तो वर्नर पोस्टुलेट में आपको प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, उसके बारे में जो भी 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उस हिसाब से आपको लिखना है। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9.2 है दैट इज रिलेटेड विद डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसके बारे में डिफरेंस है। और डिफरेंस में मैंने आपको आइडिया बताया था कि डबल सॉल्ट जब बनता है तो उसके जो आयंस होते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो मेंटेन करते हैं, मतलब लूज नहीं करते, और कॉम्प्लेक्स में वो प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, लाइक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम देखते हैं। FeSO4 सॉल्यूशन FeSO4 का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें दो आयन क्या होंगे सेपरेट, Fe2+ SO4-2। अब लैब में Fe2+ को आइडेंटिफाई करने के टेस्ट होते हैं, तो मुझे बताओ FeSO4 में Fe2+ और SO4-2 है कि नहीं। तो Fe2+ है वो उसका जो आइडेंटिटी टेस्ट है वो दे सकता है कि नहीं, दे सकता है, और SO4-2 भी दे सकता है। दूसरा भी एक सॉल्यूशन है दैट इज अमोनियम सल्फेट NH4+SO4। तो यहां पे भी दो आयन है NH4+N SO4-2, तो ये दोनों के आयन भी टेस्ट देंगे, ये सॉल्यूशन भी एक्वस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मतलब ये दो बीकर जो है, अब ये दो बीकर सेपरेट है, इनको मिक्स कर रहे हैं। तो मुझे बताओ मिक्सिंग से क्या होगा, मिक्सिंग से आपको एक सॉल्ट मिलेगा दैट इज मोहर सॉल्ट, और उसकी फॉर्मूला है Fe SO4 NH4+SO4 6H2। एग्जाम्पल था। ओके, ये सॉल्ट मिलता है। अब ये जो सॉल्ट है दैट इज डबल सॉल्ट। ओके, और इसमें भी Fe2+ सेपरेट है, SO4-2 भी है, NH4+ भी है, मतलब बिफोर मिक्सिंग जो टेस्ट आपको मिल रहे थे वही टेस्ट आपको यहां भी मिलेंगे, मतलब Fe2+ आपको यहां जो टेस्ट देता था वही टेस्ट यहां मिलेगा। SO4-2 यहां जो दे रहा है वो यहां दे रहा है, NH4+ भी दे रहा है, इसका मीनिंग हुआ दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट, और उसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद NH4+ सॉल्यूशन 1:1 प्रोपोर्शन गिव द टेस्ट ऑफ Fe2+ आयन। तो यहां जो टेस्ट है और यहां जो टेस्ट था दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ Cu2SO4 का सॉल्यूशन है एक्वस। ओके, उसके अंदर आपने अमोनिया डाल दिया, अमोनिया। अब मुझे बताओ यहां पे भी दो आयन होंगे, क्लियर। तो ये जो Cu+2 है उसका भी एक आइडेंटिटी टेस्ट होगा, और इसमें आपने अमोनिया डाल दिया 1:4 के बेस पे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी इसमें, तो Cu NH3 4 SO4 मिलता है। ओके, और ये जो सॉल्ट है दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहां जो Cu+2 है और यहां जो है
बोथ आर गुड। यहां पर आपको टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट यहां पे नहीं मिलेगा। रीजन, कॉपर ने अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहां पे प्रॉपर्टी क्या होगी, यूज हो गई। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इट इज सॉल्टी लाइक व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट, ओके। तो एक क्वेश्चन इस फॉर्म में है, सो रेशियो डज नॉट गिव द लिस्ट ऑफ सेम टू प्लस आई एक्सप्लेन व्हाई। तो ये डबल सॉल्ट है, दैट इज अ मिक्सचर और एक कंपाउंड जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो ये पक्का होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, इससे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन उसका डिस्कशन हो गया है, ये जो टर्म्स है वो क्लियर होने चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं, लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल मतलब वो डायग्राम टेट्रा ऑक्टा ये सब, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मींस लिगेंड आर यूनिक और हेटेरो मतलब डिफरेंट, ओके। इसके बाद व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिडेंटेड डाइडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये भी आपको पता है। एंड गिव टू एग्जांपल फॉर ईच। एम्बीडेंटेड में लिगेंड एक ही है बट इट हैज टू कोऑर्डिनेशन साइट और दोनों साइड से वो ट्रांजिशन पैटर्न के साथ कनेक्ट हो सकता है, NO2 N के साथ भी हो सकता है कनेक्शन और O के साथ भी हो सकता है, इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.5 है, दैट इज स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है और उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, ये भी आपको आना ही चाहिए। तो 9.5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 9.6, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं वो तो आना ही चाहिए, रेडॉक्स में भी हमने पढ़ा था 11th में, ठीक है। और उसके लिए ट्रांजिशन पैटर्न के अलावा जो भी स्पीसीज होते हैं लिगेंड है टेक्स है व्हाटएवर उसका आपको चार्ज पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। चलो अब ये बात करते हैं 9.6 की बात करते हैं, 9.6 और 9.7। 9.6 जो है उसमें आपको IUPAC दिया है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप पता होना चाहिए XN MLN है कि MLN XN। यदि 8 सफिक्स है तो XN MLN का फॉर्मेट अप्लाई करो, 8 नहीं है तो MLN XN का फॉर्मेट अप्लाई करो, समटाइम्स X प्रेजेंट और नॉट, ओके। तो सबसे पहले लिखा है टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, जिंकेट लिखा है, इसका मीनिंग हुआ फॉर्मेट तो हमारा फिक्स हो गया है XN A फॉर्मेट में, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सेट करते हैं, ब्रैकेट एज अ M किसको लेना है, एज अ M जिंकेट मतलब Z M, ठीक है। एज अ लिगेंड कौन है, टेट्राहाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो मींस O H, टेट्रा मतलब 4 बस। अब इसमें एक्स दिया ही नहीं है तो जो कॉम्प्लेक्स आएगा बस स्टूडेंट यही किया जाएगा, ऐसा नहीं उसका चार्ज लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, नेगेटिव हो सकता है क्योंकि एक्स आ गया, न्यूट्रल भी हो सकता है, देखते हैं। तो जिंक का स्टेट दिया है आपको, जिंक का स्टेट प्लस 2 है, ओके, और ओ एच का माइनस 1 है तो टोटल माइनस 4 हो जाएंगे, प्लस 4 प्लस 2 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2 होगा, तो इसका चार्ज बन जाए माइनस 2। फर्स्ट का आंसर ये है Zn(OH)4-2, मतलब ब्रैकेट का चार्ज आ गया -2। अब आगे जो पोटेशियम है सपोज तो K2 होगा, सोडियम है तो भी Na2 होगा, लेकिन अभी मेंशन किया नहीं है इसका नाम बोलिए, ओके। सेकंड पोटेशियम टेट्रा क्लोरीडो पैलेडेट, पैलेडेट मतलब सेम कांसेप्ट XN MLN। अब इस बार पोटेशियम दिया है मतलब के, अब के कितना लेना है वो पता नहीं है तो एन बात के देखते हैं। चलो एमएल है पैलेडेट मतलब पीडी, टेट्रा क्लोरीडो सी एन। चलो अब क्या करेंगे, अब आपको कॉम्प्लेक्स का चार्ज होना है, पैलेडेट का चार्ज प्लस 2 है, इसका चार्ज निकालना, ओके। तो पीडी का कितना
वैलेंस का माइनस 2 है, पोटेशियम का हमें पता है प्लस 1, तो बैलेंस कैसे करोगे, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा 2, यहां पे हो जाएगा K2, ये हो गए K2 BDCl4, ओके। चलो थर्ड जॉइंट्स पे डायमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, प्लेटिनम लिखा है मतलब हम लिखेंगे अभी मेरे ओके। चलो ऐसा एम इसको लेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम मतलब पीटी, प्लेटिनम मतलब पीटी, डायमाइन भी है और डाय क्लोराइड भी है, क्लोरिडो मतलब, तो NH finds Cl, X मेंशन किया नहीं है, देखते आता है कि नहीं, पहले चार्ज फाइंड करते हैं, पीटी का क्या मिला आपको प्लस 2, एमोनिया 0 और एम माइनस 2, तो रिजल्ट में क्या हो गया 0 हो गया, इसका कोई चार्ज आएगा ही नहीं, बस मेरा आंसर आ गया, ठीक है, इसका कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो मैं आपका आंसर फोर्थ में पोटेशियम टेट्रा साइमोन निक्लेट है, निक्लेट है मतलब XnMnO, पोटेशियम मतलब Kn हो गया, एक बार में ओके। निकल टेट्रा मतलब Cn4, तो रेनाई पास के कितना दिया है प्लस 2, तो इसका प्लस 2 में करना है, Cn का कितना होगा माइनस 4, रिजल्ट में चार्ज आएगा माइनस 2, मतलब जो ब्रैकेट है उसका चार्ज हो गया माइनस 2, पोटेशियम का चार्ज प्लस 1, तो इसको इंक्लूड कर दो तो यहां पे हो जाएगा 2, क्या आ गया क्लियर। नंबर 5 जो इसमें पोटेशियम पेंटा अमाइन नाइट्राइड को कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट लिखा था कोबाल्ट पहले लिख दो एमएल एक्सएल, तो ऐसा एम को लिखना है कोबाल्ट, बाद में लिगेंड 2 है पेंटा अमाइन है मतलब NH3 5 नाइट्राइड को को लिखा है, को मतलब को एम, और एक्स मेंशन किया नहीं है, बाद में देखते हैं कोबाल्ट का स्टेट प्लस 3 दे दिया है, कोबाल्ट के उसका प्लस 3 एमोनिया 0 इसका माइनस 1 तो इसका स्टेट हो जाएगा प्लस 2, तो यहां पे आपको 2 प्लस लिखना पड़ेगा, एक्स मेंशन नहीं किया है, तो मार्क्स आपके फॉर्मूला हो गए अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम, क्लियर। तो ये आप लिख दो पहले टोटल निकाल दो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, 5 हो गए टोटल 10 है अभी, और 5 करते हैं, चलो जो 6 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जेडब्ल्यू लीग में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट है मतलब फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा MnNXn1, ये फॉर्मूला ही मिलेगा कॉम्प्लेक्स, चलो इसमें मुझे बताओ कोबाल्ट है, सीओ आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद है हेक्सामाइन, हेक्सामाइन मतलब NH3 6 और सल्फेट लिखा है, और सल्फेट कितना आपको पता नहीं, दैट इज एन ओके। अब पहले ब्रैकेट का चार्ज फाइंड करते हैं, तो कोबाल्ट का स्टेट प्लस 3, अब याद रखो क्या होगा, कोबाल्ट का प्लस 3 है और एमोनिया का है 0, इसका मीनिंग हुआ ब्रैकेट का कितना हुआ प्लस 3, तो ब्रैकेट का प्लस 3 है और SO4 का आपको पता है माइनस 2 है, बैलेंस कैसे करोगे, ब्रैकेट का चार्ज आपका प्लस 3 आ रहा है, ठीक है, SO4 का चार्ज माइनस 2 आपको पता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, तो प्लस 3 वाला जो आयन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मीनिंग हुआ एक जो ब्रैकेट है उसको 2 मतलब यहां ट्वाइस करना पड़ेगा, और SO4 वाले को इनटू 3 करना पड़ेगा, मतलब यहां पे आपको इनटू 3 करना पड़ेगा, क्लियर, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे मैंने Fe4 वाले करवाए थे MCQ के लेक्चर में ओके, तो ये क्लियर हो गया, यहां से क्वेश्चन भी आएंगे, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सो आंसर इज 5, 3 SO4 माइनस 2 मिलेंगे और 2 कॉम्प्लेक्स का आयन मिलेंगे, तो क्लियर होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा प्लस, क्लियर।
बेस बेसल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 6। इसके बाद है नंबर 7। 7 जो है उसमें पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट ऑफ क्रोमेट लिखा है, क्रोमेट, क्रोमेट मतलब XnMn, ओके, पोटेशियम, पोटेशियम मतलब Kn, ट्रांजिशन क्रोमेट, क्रोमेट मतलब Cr, और ऑक्सलेट ऑफ C2O4, इतने ऑक्सलेट है ट्राई मतलब 3। अब क्रोमियम का स्टेट आपको मेंशन किया है 3, तो ये प्लस 3 है, C2O4 का -2 होता है, तो 3 है तो -6, तो रिजल्टेंट चार्ज मतलब -3, ब्रैकेट का चार्ज -3 है, पोटेशियम का चार्ज +1 है, तो बैलेंस करने के लिए (3) करना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा क्लियर, ये 3 होगा। उसके बाद हेक्साअमाइन प्लैटिनम, प्लैटिनम लिखा है मतलब MnaXn, ओके, तो उसमें SiFePb, हेक्सा मींस Mi6, और इसका X तो है नहीं, डायरेक्ट चार्ज में कर दो, Pb का स्टेट +4, अमोनिया का 0, रिजल्टेंट का +4 ही होगा, यहां पे फोर का स्टेट पे छोड़ दो, फिनिश हो गया, ओके। बाद में 9, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट, क्यूप्रेट है XnMnn, क्यूप्रेट मतलब Cu, ओके, और टेट्रा ब्रोमिडो मतलब Br, टेट्रा है ना, BF4 स्टेट, कॉपर का दिया है हमको +2, इसका -4, तो रिजल्ट है -2, तो -2 है फिनिश, सेम BF4 -2। और नंबर 10, पोटेशियम नाइट्राइड कोबाल्ट ही है, कोबाल्ट मतलब MnnXn, कोबाल्ट मींस CO, एज अ लिगेंड पेंटामाइन NH3 5 नाइट्राइड को N, नाइट्राइड मतलब NO2, X मेंशन ही किया है, कोबाल्ट का स्टेट +3, अमोनिया का 0, NO2 का -1, तो कॉम्प्लेक्स का स्टेट होगा +2, यहां पे 2 प्लस, ये गैस है नहीं तो क्या होगा, क्लियर, दिस बेसमेंट मिक्स, सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम यू हैव टू राइट दिस फार्मूला, ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए, तो 9.6 इसका भी फोटो ले लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 9.7, ये आप खुद कर सकते हो, उसमें आपको IUPAC लिखना है, ओके, तो आप आराम से 1, 2, 3 ये सब लिख सकते हो, IUPAC आप आराम से लिख सकते हो, तो ये आपको नोटबुक में दे रहा हूं, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं, हो जाएगा आराम से, तो 9.7 आप ऊपर पे प्रैक्टिस हमने आगे भी की है, किसी को डाउट है मुझे मैसेज दे सकते हैं, 9.7 जो है दैट इज फॉर वर्क, ओके। तो आज का जो लेक्चर है उसमें पार्ट 1 के हिसाब से जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए, और इसके बाद आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए कि यहाँ मैं IUPAC आता है, दोनों साइड फॉर्मूला से IUPAC और IUPAC के फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिगेंड का चार्ज आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, एम्बिटेंटेड लिगेंड क्या है, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो और शेप, ये सब क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमरिज्म के बारे में जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच।